कौन हो सकता है? आप यहां और वो भी बिना इन्फॉर्म किए? आपका दिमाग तो ठीक है? हमारा दिमाग तो सही से, पर मुझे लगता है आपके परिवार में किसी का दिमाग ठीक नहीं से, और यूं ही कहीं पुलिस नहीं जाती। कंप्लेंट है आपके परिवार के सदस्य के खिलाफ। कंप्लेंट हमारे अहलावत खानदान के खिलाफ? और हमने ऐसा किया क्या जो आप यहां आ गए? जाइए आप, हम अपने लॉयर को भेजेंगे आपसे बात करने के लिए पुलिस स्टेशन में। जाइए। मैडम, पहले उन्हें बुलाइए जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, हमें उनसे बात करनी है। हमने आपसे कहा ना कि ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है हमारे खिलाफ जो आप हमें परेशान करें। जाइए यहाँ से। मैडम, कंप्लेन आपके बेटे के खिलाफ हुई है, और उनसे बिना बात किए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे बेटे के खिलाफ कंप्लेन? जी हाँ। इतनी हिम्मत किसकी हुई? मेरी। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट, आपके बेटे ने मुझसे शादी करने के बाद भी एक दूसरी लड़की के साथ रिश्ता रखा, यानी मुझे धोखा दिया, इसीलिए उसके खिलाफ धोखेबाजी के चार्जेस लगेंगे। आप कितनी बड़ी धोखेबाज है दुर्गा, जिस घर में रहती हैं उन्हीं के साथ धोखा कर रही है। मम्मी जी आप भूल रहे हैं, धोखा मैंने नहीं आपके बेटे ने दिया है। बिना मुझसे डिवोर्स लिए एक दूसरी लड़की को इस घर में ले आया, यहाँ तक अपने कमरे में ले गया, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। ऐसे आदमी के साथ मैं खुद ही नहीं रहना चाहती जिसके लिए शादी सिर्फ एक मजाक है। मैं तो देना चाहती हूँ उसे डिवोर्स, पर वो ही नहीं दे रहा है, और ये सब मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं। आप अंदर आइए, आइए। मैडम, कौन कौन है आपके घर में? जी, हम, हमारे पति, हमारे बड़े बेटे और उनकी पत्नी, और ये दुर्गा और कुछ नौकर चाकर है। और आपके छोटे बेटे वो कहाँ है? वो घर पर नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर गए। मैडम सोच लीजिए, क्या वाकई इनके अलावा घर में कोई और नहीं रहता? जी कोई नहीं। अब हमें खुद इस बात की जांच करनी होगी। हवलदार, घर का कोना कोना छानो और जाकर देखो घर के अंदर कितने सदस्य और कौन कौन रहता है। ये कौन है? इनके बारे में तो आपने हमें नहीं बताया। ये हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? वो क्या है ना, बहुत गरीब है, इसलिए दूसरों के घर में ही रहती है। वो
वाह साहब, इनकी नौकरानी तो मालकिन से भी कम नहीं लग रही है। हाँ वो हम इन्हें सहारा दे रखा है, पर क्या है ना, कभी कभी नौकर अपनी हदें भूल जाते हैं और मालिक बनने के ख्वाब देखने लगते हैं। देखिए ना सर, मालिक जरा से इधर उधर नहीं होते कि ये अपना काम छोड़कर टाइम पास करने लग जाते। एक सेकेंड ना, ये लो आरती, झाड़ू लो और कमरे की अच्छे से सफाई कर दो, देखो कितना गंदा हो गया है। क्या हुआ मम्मी जी? लगता है आरती सबके सामने थोड़ा शर्मा रही है, आप ही कहिए ना। हेलो, ये यहाँ है और कोई नहीं है, पर मेरे पति की वो भी यहीं से कमरे में थी। अच्छा ये बताइए, आपके पति के खिलाफ आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं सर, सबूत तो नहीं है। अब ये बैग्स हैं, पर यहाँ पे उसी का सामान है सर। देखिए, बिना किसी पक्के सबूत के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो पहले कोई मजबूत सबूत लाइए, तभी हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे। जी सर, मैं ख्याल रखूंगी। हवलदार, ये बैग्स कस्टडी में ले लो। पुलिस के सामने तो बहुत अकड़ दिखा रही थी ना, बट माइंड इट, तुम एक दो कौड़ी की गवार गांव वाली है और एसपी तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगा। जबान संभाल के आरती, पुलिस अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंची होगी और मैं चाहूं ना तुम्हें एक सेकंड में सलाखों के पीछे भिजवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देकर छोड़ रही हूं, समझ जाओ। और बिना मेरे एसपी के डिवोर्स के मेरी जगह लेने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारी असली जगह जेल में भिजवा दूंगी। सड़ती रहना फिर वहां पर। कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर मैं एसपी के खिलाफ इनफिडेलिटी की कंप्लेन कर सकती हूँ ना, तो आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा ना। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ मम्मी जी, मेरे साथ गलत करने वाले एक एक शख्स को सजा दिलाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और एसपी ने मुझे प्यार में धोखा देकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्या है ना, अगर मैं प्यार के लिए मर सकती हूँ तो मैं प्यार के लिए मार भी सकती हूँ। मैं तो खुद एसपी को तलाक देना चाहती हूँ, पर वही मुझे तड़पाने के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं एसपी और आरती दोनों को नहीं छोड़ूंगी। माइंड इट दुर्गा, मैं यहाँ अपने मर्जी से नहीं आई हूँ, एसपी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, पर एसपी मेरा साथ उतना ही चाहता है जितना कि मैं। जानती हूँ, सब जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ आरती। एसपी ने जो किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी, और अगर तुम यहाँ रही ना, तुमने सुना इंस्पेक्टर सर ने क्या कहा, तुम तो मुझे खुद ही अपने खिलाफ सबूत दे दोगी।
आगे मर्जी तुम्हारी। आरती बेटा, पापा हमारे कमरे में आ जाइए। नहीं काका, मैं पहले अभी माँ पापा से बात कर लूँ, उसके बाद। इस भी होगा। अच्छा है, वो भी तो दिखे कि न्याय किसको कहते हैं। बाबा बैठिए, बैठिए बाबा। बोलिए बाबा, क्या बात है, ठीक तो है ना? हाँ एकदम ठीक हूँ बेटा। तेरे से कुछ कुछ बात करनी थी। हाँ बाबा बोलिए। बात ये है कि अपना बाबा, क्या हुआ बाबा, आपको कब से अपनी दुर्गा से बात करने के लिए हिचकिचाने की जरूरत पड़ गई? क्या हुआ, क्या बात है? कैसे बताऊं दुर्गा को ये झूठा इल्जाम अपने सर पर लेने को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।